यदि हम साईं को याचक कहें, भिखारी कहें, तो साक्षात लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, उनकी दासी बनकर उनके द्वार पर प्रतीक्षा करती हैं। एक दिन जब साईनाथ कुएं से पानी लेने गए, तब गंगागीर ने उन्हें सहज ही देखा। इन गंगागीर साधु का पवित्र गोसावी पंथ से संबंध था, और हालांकि ये एक वरकारी थे, अर्थात पंढरी के विष्णु की पूजा करने वाले, जो नियमित रूप से विट्ठल के भजन गाते हुए पंढरी की तीर्थ यात्रा करते हैं, जिसे गंगागीर बहुत ही महत्व देते थे। ऐसा व्यवहार वरकारी पंथ के लोगों में बहुत कम देखा जाता है। वरकारी समाज में रुद्राक्ष को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता है, और उनके पवित्र ग्रंथों की सूची में रामदास की श्रीदास बोध का भी कहीं चर्चा नहीं है। धर्म के नाम पर अभिमान पूर्ण व्यवहार, धर्मांधता की गंगागीर के हृदय में कोई स्थान नहीं था। धर्म के नाम पर अभिमान पूर्ण व्यवहार अर्थात धर्मांधता का गंगागीर के हृदय में कोई स्थान नहीं था। विज्ञान के भंडार थे, और उन्होंने शिरडी गांव के निवासियों से कहा, महानुभाव तुम कितने पागल हो, तुम इस रत्न को फेंक कर अन्य साधु की तलाश में जंगल और उजाड़ स्थानों में भटक रहे हो। अपने पास गुलाब जामुन, लाल मोहन जैसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ होते हुए भी तुम रोटी के सूखे और जूठन टुकड़ों के लिए तरस रहे हो। गंगा के पवित्र जल को त्याग कर कुएं के साधारण जल को संचित मत करो। संतों के नभमंडल में ये साईं सूर्य के भांति देदीप्यमान हैं। जिस प्रकार पर्वतों में हिमालय सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार हम संतों में साईं श्रेष्ठ हैं। आधुनिक संतों के रत्न जड़ित हार में ये अमूल्य मेरु मणि झुमके के समान हैं। अगर आप सब में इनकी महत्ता का बोध नहीं, तो वास्तव में एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि असली और मूल्यवान वस्तु की पहचान करना आपके बस की बात नहीं है। इनका तिरस्कार उपेक्षा मत करना, इनका आदर करने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। राजा के अप्रसन्न व असंतुष्ट रहने पर प्रजा भी दुखी रहती है। लोगों को ऐसा कहकर गंगागीर मस्जिद गए, और बाबा ने उन्हें देखकर खुशी व्यक्त की। जिस प्रकार गोदावरी के गंगा से मिलने पर विष्णु के शिव या वशिष्ठ, गौतम कुबेर या इंद्र से मिलने पर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार गंगागीर और साईं मस्जिद में एक दूसरे से मिलने पर आनंदित हुए। बाबा ने हंसते हंसते कहा, देवालय मस्जिद में आ गया है आज। गरुण ने राजहंस के घोंसले में आकर उसकी शोभा बढ़ाई है। वास्तव में आपका आगमन शुभ है। हमारा और आपका घराना एक ही है। हम दोनों वैकुंठ में आनंद पूर्वक इकट्ठे निवास करते थे। भगवान ने हमें इस मृत्यु लोक में भेजा है, और हमें लोगों को सतमार्ग पर अग्रसर करने का आदेश दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में लोग हमारी बात जरा भी नहीं मानेंगे। आप कैसा अनुभव करते हैं? जहां कहीं भी खजूर के घने वृक्षों का छोटा या छायादार जंगल होगा, वहां गांव में हर जगह ताड़ी, खजूर के पेड़ का रस, शरबत मिली हुई मदिरा की दुकानें तो होंगी ही।